नमस्कार, अर्थ प्रकाश देख रहे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। टेक वर्ल्ड में हर दिन कुछ न कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी से आपको फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होना भी तय है। ऐसे में साइबर क्राइम आता है। साइबर वर्ल्ड के माध्यम से बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आपके स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक जाकर डाटा चोरी करने के और बैंक अकाउंट जैसी ठगी करने के मामले बहुत सुनने को मिलते हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति को होता है कि वो अपने फ़ोन की सिक्योरिटी अच्छे से मैनेज करे ताकि उसका फ़ोन हैक ना हो जाए। अगर बात सिक्योरिटी की हुई है तो इसके लिए हम आपको बता दें कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ने सिक्योरिटी एडवाइजरी के लिए एक नई ऑप्शन दे दी है, जिनमें से एक है सर्ट। चलिए जानते हैं सर्ट क्या है। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको सर्ट कहा जाता है, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT। सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ का यह एक समूह है जो किसी संगठन की साइबर सुरक्षा घटनाओं का पता लगाता है। एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो आपको इस खबर को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सर्ट के द्वारा ये पता लगा है कि करोड़ों स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड सिस्टम पर चलते हैं वह रिस्क पर हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन 13 या इसके पहले सॉफ्टवेयर पर चल रहे थे तो यूज़र्स ने अगर उनमें सिक्योरिटी पैच नहीं किया है तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है और इसके साथ ही बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हर एक के मन में ये सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और एकदम से आउट ऑफ ब्लू सर्ट का एडवाइजरी आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है या कैसे भी हो सकती है या होने वाली है। ऐसे तैसे करके ये नोटिफिकेशन अलर्ट आते रहते हैं। आपको बता दें, स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो ये एडवाइजरी एंड्रॉयड के लिए है। तो हम आपको बता दें, जो स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर वो स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेसिस पे होते हैं। ऐसे में समय समय पे गूगल आपको पैचेस जारी करता है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो हर दिन में हर सेकंड में कुछ ना कुछ नए कोड जो है वो जनरेट करते रहते हैं, जिसके ज़रिए आपका फ़ोन एक्सप्लॉयड होता है। उसके साथ ही आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करके उस डेटे को वो चोरी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और फ्रॉड करते हैं, और आजकल तो फ्रॉड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने उस पैच को अपने फ़ोन में अपडेट नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सर्ट एडवाइजरी भी यही कहती है कि अगर आपने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच से फ़ोन को अपडेट नहीं किया तो रिमोटली आपके फ़ोन में मेलवेयर इंजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आपके फ़ोन को हैक करने का, डेटा चोरी करने का एक ब्लैकमेलिंग सोर्स जो है वो आपके फ़ोन पे अटैक हो सकता है। और ऐसे में हैकर्स जो हैं वो आपके फ़ोन को हैक करके आपसे फिरौती की मांग कर सकते हैं। अब हर एक के मन में यही डर बना रहता है कि ऐसी मुसीबतों से पाला ना ही पड़े तो अच्छा हो। अगर कोई इसके झांसे में आ भी जाता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। जो अपडेट्स आपके फ़ोन में आते हैं, जो आपको लगता है कि भरोसेमंद अपडेट्स हैं और कंपनी की तरफ से हैं, वो अपडेट्स फ़ोन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आपका फ़ोन अपडेट होता रहेगा तो आपका फ़ोन हैकर्स की पहुंच से भी दूर रहेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि हम अपडेट फ़ोन को क्यों करें, इससे हमारे फ़ोन की मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी। और बहुत बार लोगों के मन में ये होता है कि वो अपडेट करेंगे फ़ोन को तो बैटरी जो है वो तेज़ी से ड्रेन हो सकती है। तो ऐसे वहम लोगों के मन में काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर आप कंपनी को बता देंगे तो ऐसे में कोई ना कोई सिक्योरिटी अपडेट आ जाता है जिसमें आपका फ़ोन जो है अपडेट करने पर सुरक्षित हो जाएगा, और वो जो आपका फ़ोन है एक थोड़े समय के लिए थोड़ा स्लो चल सकते हैं, लेकिन बाद में वो एक नॉर्मल स्पीड पे जो आप फ़ोन चला रहे हैं वैसा चलना शुरू कर जाएगा। सिक्योरिटी अपडेट करने में घबराएं नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खुद इंडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसी सर्ट है उसके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके अगर आपको कोई नया अपडेट आया है तो आप जल्द से जल्द अपने फ़ोन को अपडेट कर लें। टेक मीडिया से रिलेटेड इस जानकारी को आपको जानकर कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।